स्वागत है बच्चों आप सबों का SR क्लासेस पे। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन उस घटना को कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, उसकी दिशा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को डायग्राम के जरिए समझाता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये मैंने एक सतह बना दिया जो दो माध्यमों को अलग करती है। मान लिया कि नीचे का जो माध्यम है वो है पानी, पानी में भी प्रकाश चल सकती है ना, और ऊपर का जो माध्यम है वो है हवा। ठीक है, ये दो माध्यम है और ये है वो सतह जहाँ पे ये पानी और हवा एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण इस तरीके से ऐसे आई तो आने के बाद यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो होना ये चाहिए था कि जिस सीध में ये आ रही है उसी सीध में ये ऐसे आगे बढ़ जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये थोड़ा सा अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। ठीक है, ये क्या होगा, थोड़ा सा इस ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ना जा करके थोड़ा सा इस तरफ मुड़ गया। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में तकरीबन पूछे जाते हैं हर बार, और उसे याद नहीं करना, अगर आप लोग एक बार समझ लोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वो डेफिनेशंस हैं क्या। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, आप लोग लिखते चलोगे और एक बार यहाँ पे समझ भी लो। आपतित किरण उस किरण को कहते हैं जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आके पड़ती है। मतलब कि ये वाली किरण, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये किरण क्या कर रही है, दो माध्यमों को जो अलग करने वाली सतह है उस पे आकर पड़ रही है। तो इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा है टॉपिक वो है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपतन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के उस बिंदु को जिस पे आके आपतित किरण पड़ती है, देखिए यहाँ पे पड़ रही है तो इसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है उसके उस बिंदु को जहां पे आपतित किरण आकर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अगला जो हमारा है वो है अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब, तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो बच्चों आपतन बिंदु से डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये आपतन बिंदु था, अभी हमने देख लिया ये, तो आपतन बिंदु से जो लंब डालेंगे, लंब किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बना करके ऊपर खींचा गया और रेखा हो उसे क्या कहते हैं, लंब। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग अभिलंब। ये रहा हमारा अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। चौथे नंबर पे अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपवर्तन हो गया, होने के बाद जो दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश कर रही है, कौन सी किरण प्रवेश कर रही है, ये वाली, तो इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, काफी आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार डेफिनेशन देख लिए, अब दो और बच गए हैं उसे भी हम लोग यहीं पे याद कर लेते हैं। वो दोनों क्या है, ये देखिए अभिलंब और आपतन कोण के बीच में एक, ये सॉरी, आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हो गया, दोनों के बीच में ये देखिए ये एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है,
उसके बाद एक और है अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण जो ही कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, ठीक। तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को, ये कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, आपतन कोण को आई के द्वारा दिखाया जाता है, स्मॉल आई के द्वारा, और ये जो अपवर्तित कोण है, अपवर्तन कोण है, उसे आर के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन का पूरा लेखा जोखा डायग्राम के द्वारा। अगर आप लोग समझ जाओगे, एक बार समझ गए तो फिर कभी भूलोगे नहीं, आप दूसरे को पढ़ा दोगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें आगे क्या पढ़ना है। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश कितनी स्पीड से चलती है, तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, क्या सभी माध्यम में प्रकाश का चाल एक जैसा होता है, हमें ये पढ़ना है। तो बच्चों आप लोग जान लो, प्रकाश की चाल माध्यम टू माध्यम वेरी करता है। एक अलग माध्यम के लिए प्रकाश का चाल अलग होगा, दूसरे माध्यम के लिए प्रकाश का चाल अलग होगा। जैसे कि प्रकाश का चाल, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता, अलग अलग होता है। मतलब माध्यम अगर अलग मिले तो प्रकाश का चाल भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ और हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात उठता है, सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होता है ना, सबसे तेजी से कहाँ चलता है। तो प्रकाश का चाल जो सबसे ज्यादा है वो है हवा में, या निर्वात कह सकते हैं, है ना। तो निर्वात तो पॉसिबल नहीं है, निर्वात उस जगह को कहते हैं बच्चों जहां पे हवा भी नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई जगह है नहीं, तो हम लोग मान के चलते हैं हवा में। हवा में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, और ये तकरीबन लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है यहाँ पे, ठीक है। हवा में ये बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है बच्चों, ये इतना ज्यादा है आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस स्पीड से अगर लाइट जब ट्रेवल करती है तो ये पूरे जो सन है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा दूर पे है, वहां से पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट और 2 सेकंड 20 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का चाल हवा में। उसके बाद हम लोगों को प्रकाश का चाल पढ़ना है कि पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है, पढ़ना नहीं है, हम लोग जब अपवर्तनांक निकालेंगे ना तो वहां पे थोड़ा सा काम देगा ये। तो पानी में प्रकाश का चाल जो होता है वो होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी लगभग में होता है। और उसके बाद एक और जगह हम लोगों को पढ़ना है कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो कांच में तकरीबन होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होता है। अब इसी के जरिए हम लोग एक और चीज पढ़ लेंगे कि सघन माध्यम किसे कहेंगे और विरल माध्यम किसे कहेंगे। तो आइए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं कि माध्यम किसे कहते हैं, कौन सघन होगा और कौन विरल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये दोनों हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सघन माध्यम किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये जो पढ़ेंगे हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो ये एक तुलनात्मक स्टडी है ना। ऐसा नहीं है कि सघन माध्यम हम लोग किसी को सघन कहते हैं, हो सकता है कि जिसे हम सघन कह रहे हैं वो किसी और माध्यम से अगर उसका तुलना करें तो वो विरल हो जाए। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि दो माध्यम हमने ले लिया, ठीक है। एक माध्यम ले लिया हवा और एक माध्यम ले लिया पानी, ठीक है। जब दो माध्यमों की तुलना करें और दोनों माध्यम में से जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा हो तो वो माध्यम होगा विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम हो उस माध्यम को कहेंगे कि वो है सघन माध्यम। ये तो तुलनात्मक स्टडी हो गया ना। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हवा में जो प्रकाश का चाल है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और पानी में प्रकाश का चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। लेकिन कब तक,
जब तक हम पानी की तुलना हवा से करें तब पानी सघन है, ठीक है। अगर इसी पानी की तुलना हम लोग किससे कर दें, कांच से कर दें, कि दो माध्यम लिया और एक पानी है और दूसरा क्या है, कांच है, तो पानी में प्रकाश का चाल हम लोगों को पता है कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और कांच में प्रकाश की चाल तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब बताओ दोनों में से प्रकाश की चाल किस में ज्यादा है ना। तो देख पता चल रहा है कि पानी में ज्यादा है, तो यहाँ पे जब हम कांच से प्रकाश ये पानी की तुलना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, सघन कहेंगे, कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो सघन और विरल का कंसेप्ट है ये तुलनात्मक स्टडी है बच्चों, कि जब हम दो माध्यमों को तुलना करते हैं और तुलना करने पे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहेंगे और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को यहाँ पे दो नोट्स जान लेने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बात है वो ये, अभी मैं बताता हूँ कि वो दोनों क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है ना, वो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है थोड़ा सा। मान लिया कि नीचे में यहाँ पे पानी है और ऊपर में यहाँ पे हवा है, ठीक है, और प्रकाश की एक किरण ऐसे चली आ रही है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, और मैंने कहा कि ये ऐसे ना जाके थोड़ा सा इस ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि सर आप जो बोल रहे हो कि इस ओर मुड़ जाता है, ये इस ओर भी तो मुड़ सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है ना। तो बिल्कुल जा सकता है बच्चों, बिल्कुल जा सकता है और जाता भी है, लेकिन ये जो मुड़ता है ना वो एक नियम के अनुसार होता है, हम लोग उसी नियम को जानेंगे, ठीक है। तो वो नियम ये है, पहला जो नोट है वो ये कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, कहाँ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ कि विरल से सघन में जब प्रवेश करे तो प्रकाश अपवर्तन होने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अब देखिए जो मैंने यहाँ पे फोटो बनाया है, अब इसे ध्यान से देखो, ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक अभिलंब, ठीक है, जो कि 90 डिग्री के कोण बना करके ऐसे रहता है, ठीक है जी। तो देखो जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये थोड़ा सा अभिलंब की दिशा में थोड़ा सा हल्का सा झुक गया, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और नियम क्या हुआ कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब की ओर थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक और ये होता है कि जब सघन माध्यम से, ये ठीक उसका उल्टा हो जाएगा है ना, कि सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल माध्यम में जाए, सर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभिलंब से दूर भाग जाएगी किरण, अभिलंब से दूर भाग जाती है। अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएं, देखो बच्चों जब मैंने ये पढ़ाया तो ये डायग्राम बनाया, तो आप लोग भी ऐसे ही डायग्राम बना लोगे क्योंकि डायग्राम से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बना लो। अब देखो ये दूसरे वाला जो है इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कि यहाँ पे हमने ले लिया एक ऐसा सतह जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, ठीक है। मान लिया कि ऊपर में ये कांच है, ये सतह क्या है, कांच है, और नीचे क्या है, पानी है। अब ये बताओ कांच तो पानी की तुलना में सघन है ना, तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, और ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम, ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, इसको क्या चाहिए था कि ये ऐसे अपनी दिशा में आगे बढ़ते हुए चला जाता है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, इसका थोड़ा सा अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन दिखाने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले एक अभिलंब बनाएं, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया अभिलंब।
नियम क्या कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का किरण प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ये रहा अभिलंब, ऐसे जाना चाहिए था, ये इससे भी थोड़ा सा दूर भागेगी और ये इस तरीके से इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये था दूसरा नियम कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। मतलब ये कि कांच की एक मोटी सी सिल्ली है, अगर उससे प्रकाश पार हो तो वो कैसे जाएगी। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि एक कांच की मोटी सी सिल्ली है, उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, हमें ये दिखाना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इसका डायग्राम पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो मैं बता देता हूँ। ये एक कांच की मोटी सी सिल्ली मैंने बना दी, ये ठीक है। अब इससे हमें प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन दिखाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक प्रकाश की किरण इस पे आए, ये प्रकाश की किरण आ गई। अब देखिए इधर बाहर में तो हवा है ना, और ये क्या हो गया, कांच। तो हवा हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, इस पॉइंट पे प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन को दिखाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम एक अभिलंब बनाएं। तो ये मैंने बना दिया अभिलंब, ध्यान से समझिएगा इसे, ये अभिलंब बना दिया। और जब प्रकाश की किरण, इसको जाना कैसे चाहिए था, इस किरण को इसको जाना चाहिए था ऐसे, मैं अभी सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे ना जा करके कैसे जाएगी, थोड़ा सा चेंज करेगी अपनी रास्ते को। ठीक है जी, तो ये देखिए इसको, अब ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है भाई। तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर हल्का सा मुड़ गया, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर इस ओर मुड़ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए एक बार फिर से इस पॉइंट पे इस किरण का अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो किरण चल रही थी अभी तक, ये सघन माध्यम में चल रही थी, अब ये यहाँ से कहाँ निकलेगी, विरल माध्यम में निकलेगी। तो एक बार फिर से इसका माध्यम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये कांच है ना भाई, तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम। अब कांच से ये बाहर निकल रही है तो क्या, विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। तो अब यहाँ पे भी होगा, तो जरूरी है इसके लिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक अभिलंब बनाएं। तो ये मैंने अभिलंब बना दिया। अब आप लोगों को पता ही होगा, अभी ही मैंने बताया है, देखिए इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, मैं पहले वो दिखा देता हूँ, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा सा इसका दिशा चेंज हो जाएगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, तो मतलब इससे इधर, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे निकल के चली जाएगी। आप लोग थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, ये इस तरीके से प्रकाश की किरण चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ में आ जाएगी आपको, ये देखिए प्रकाश का किरण जो स्टार्टिंग में आ रही थी ऐसे, तो इसका दिशा क्या था, ये। और जब फाइनल दो बार अपवर्तन होने के बाद जब प्रकाश की किरण जा रही, तब भी इसका दिशा क्या है, सेम है, जिस दिशा में ये उसी दिशा में ये, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ आ गया, कि थोड़ा सा दोनों के बीच में एक गैप बन गया, ये दूरी बन गया, और इसी दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हो, तो आप ये डायग्राम बना दोगे और बनाने के बाद बताओगे कि ये जो स्टार्टिंग में जो इसका जाने का जो दिशा था उसी दिशा में जाता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या हो जाती है, दूरी बन जाती है, उसी दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर सच में पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं,
आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का जो रूल्स हैं, दो नियम होते हैं, हम लोग वो देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल इस टॉपिक से वही है, इस चैप्टर से वही है, तो हम लोग वो कवर करेंगे। और उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए SR क्लास के साथ।